हेलो दोस्तों, आप सभी को उमा की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आप लोगों को आज मैं नारियल की चटनी शेयर करूंगी कि किस तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड, आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी इस तरीके से नारियल की चटनी बनते हुए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, ये इस तरीके का जो नारियल आता है वो ले लिया है मैंने और इसको छील लिया है। इस तरीके से ऊपर से छील लिया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड छीलने में। अब ये तीन आंखें दिख रही हैं, इसको इस तरीके से चाकू से साफ़ कर लूँगी, मतलब इसको निकाल लूँगी। तो क्या है फ्रेंड, इससे निकालने से क्या होता है, जो इसका अंदर का पानी है वो आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से बड़ी सी एक इसमें छेद कर लेंगे और इसको एक कप में पलट लेंगे। ये पूरा नारियल का पानी निकल आता है इस तरीके से, एक टपका भी बर्बाद नहीं हो सकता है फ्रेंड इससे। अब इधर रख दिया मैंने गैस पे कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। अब फ्रेंड, ये सरसों का तेल को मैं क्या करूँगी, जो ये नारियल है ना, इसमें इस तरीके से चाकू से दबा लूँगी, क्योंकि इस तरीके से मुझे नारियल को भूनना है अच्छे से। फ्रेंड, भूनना है इस तरीके से उलट पुलट करते हुए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, तब जाके हमारी चटनी बहुत स्वादिष्ट बनेगी फ्रेंड। अब ये चाकू मैंने इसलिए लगाया, अगर ये चाकू नहीं लगाती फ्रेंड तो इसके अंदर सब सरसों का ऑयल चला जाता, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको फ्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड, ये चटनी बहुत अच्छी लगती है इडली डोसा के साथ। और ये क्या है, 3 से 4 दिन आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। इधर रख दिए फ्रेंड मैंने एक कटोरी में लिए बर्फ़। अब इस तरीके से इसको डालूंगी बर्फ़ के अंदर, फिर गैस पर डालूंगी। फ्रेंड, इससे क्या होगा, गर्म और ठंडे से बिल्कुल नारियल अलग अलग फट जाएगा, बीच में से मतलब क्रैक हो जाएगा। अब मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये देखो ये क्रैक होना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से। अब इसी स्टेज पर कर देंगे गैस को ऑफ और एक कपड़े की मदद से इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड, ये गर्म है, अब मैं हाथों से इसको, ये देखो बिल्कुल तोड़ के इस तरीके से, एक टुकड़ा भी नहीं है। अब एक बाउल लूँगी, बाउल में क्या करूँगी, मैं पानी डाल दूँगी और ये जो नारियल मैंने भुना था इसको इस तरीके से काट लूँगी। लगभग मैं एक नारियल की चटनी बनाऊँगी तो पूरे को भी काट लूँगी फ्रेंड। इस तरीके से चटनी इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड, हम इसको 5 से 6 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और खा सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके रखना है फ्रेंड, बाहर नहीं रखना। अब फ्रेंड, ये मैंने पूरा नारियल काट लिया है। अब ये गंदा लग रहा है तो मैं इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी फ्रेंड। ये मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करूँगी, अब ये लूँगी मूँगफली के दाने, कुछ मूँगफली के दाने लिए। अब ये लिए 2 हरी मिर्ची फ्रेंड, और इसमें डालूँगी मैं 3 लहसुन की कलियाँ, और ये डाल दिया मैंने धनिया पत्ता। फ्रेंड, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग धनिया पत्ता कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक। अब ये ले लिए 10 से 15 काली मिर्च, और इसको सबको मिक्सी के जाल में डाल दिया और इसको पीस लूँगी मिक्सी की मदद से। फ्रेंड, इसको पीस लेती हूँ। इधर रख दिया फिर से मैंने बाउल, और जो मैंने मिक्सी में जो इसका पेस्ट बनाया था गोले का, अब लास्ट में लगाऊंगी इसमें तड़का। एक कड़ेचली में लिया है फ्रेंड मैंने सरसों का ऑयल। सबसे पहले डालूंगी इसमें चने की दाल 1 चम्मच, और फिर दोबारा डालूंगी इसमें 1 चम्मच पंचफोड़न। ये फ्रेंड लगभग पक चुके हैं, तब लास्ट में डालूंगी 2 लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची डालनी है फ्रेंड। अब ये चटनी का तड़का हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसके ऊपर मैं बाउल में डाल दूंगी, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड, और इसको कर देती हूँ मिक्स। अगर आप सभी को मेरी ये नारियल की चटनी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।